Assalamualaikum and welcome to Bulls and Bears. मैं हूं सैयद मोहम्मद तानिश और आज है मंडे का दिन, the very first trading day of the week date, आज September 18, 2017. हमने देखा मार्केट ने आज एक दफा फिर से वोलेटाइल सेशन विटनेस किया और 42,841 के लेवल पर मार्केट क्लोज हुई 54 पॉइंट्स के गेन के साथ. वॉल्यूम कल एक दफा फिर से कम है, 114 मिलियन शेयर्स मार्केट में ट्रेड हुए. फ्राइडे को 200 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी, बल्कि लास्ट वीक पिछले दो दिन यानी थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन मोर देन 200 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग जो है वो देखी गई थी. तो उसके बाद देखा जाए तो आज वोलेटिलिटी के 22 मार्केट में जो है वो वॉल्यूम्स कम होते हुए नजर आए. इसके अलावा अगर हायर साइड देखी जाए तो 42,925 मार्केट का हाई रहा, लो वॉज 42,490, 138 पॉइंट्स तक मार्केट प्लस गई, 300 पॉइंट्स तक मार्केट माइनस भी गया, अपने लोएस्ट लेवल से 350 पॉइंट्स ऊपर आई, हाईएस्ट लेवल से 84 पॉइंट्स के डिक्लाइन के साथ क्लोज हुई. तो बाजार देखा जाए तो मार्केट में ना बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम देखा गया ना बेयरिश मोमेंटम देखा गया, लेकिन बुल्स जो है वो मार्केट पर जो है वो हावी होने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि 300 पॉइंट्स की जब कमी मार्केट में देखी गई तो वहां से मार्केट में सपोर्ट आई और मार्केट 350 पॉइंट्स ऊपर आ गई अपने लोएस्ट लेवल से. मार्केट की परफॉर्मेंस कैसे है डिटेल में देख लेते हैं. सबसे पहले आज की मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग, मार्केट ने आज क्लोज किया 42,841 के लेवल पर 54 पॉइंट्स के गेन के साथ, जबकि इंट्राडे हाई रहा 42,925 का, लो वॉज 42,490. वॉल्यूम्स की बात करें तो 114 मिलियन शेयर ऑलमोस्ट मार्केट में ट्रेड हुए, फ्राइडे के मुकाबले में 86 मिलियन शेयर्स का डिक्लाइन रहा, वैल्यू ऑफ टर्न ओवर 7.49 बिलियन रुपीज पर हमने देखी. टॉप थ्री वॉल्यूम डीलर्स में सबसे पहले दोस्त स्टील, जिसमें 0.48 रुपीज का पॉजिटिव चेंज देखा गया, 12.59 रुपीज के लेवल पर यह क्लोज हुआ, 10.8 मिलियन शेयर्स इसमें ट्रेड हुए. टीआरजी पाकिस्तान 1.27 रुपीज का पॉजिटिव चेंज, 39.67 रुपीज की क्लोजिंग, 8.45 मिलियन शेयर्स का काम. एंग्रो फर्टिलाइजर जो कि एक्स राइट प्राइस पर शेयर एक्स डिविडेंड प्राइस पर शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है, 2.91 रुपीज के पॉजिटिव चेंज के साथ ही क्लोज हुआ, 61.01 रुपीज के लेवल पर 6.48 मिलियन शेयर्स इसमें ट्रेड हुए. लास्ट में टॉप फाइव सेक्टर्स वॉल्यूम वाइज, इंजीनियरिंग 17.31 मिलियन शेयर्स, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 16.61 मिलियन शेयर्स, फर्टिलाइजर 15.78 मिलियन शेयर्स, टेक्सटाइल स्पिनिंग 9.42 मिलियन शेयर्स और सीमेंट्स में 7.71 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग हुई. ये थी आज के मार्केट की डिटेल परफॉर्मेंस. बेसिकली आज बैंकिंग सेक्टर जो कि फ्राइडे को लाइमलाइट में था और काफी ज्यादा पॉजिटिविटी बैंकिंग सेक्टर में देखी गई थी, तो आज बैंकिंग सेक्टर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहा है, काफी नेगेटिविटी बैंकिंग सेक्टर में देखी गई. बीइंग द हैवी सेकंड मोस्ट हैवीवेट सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर का इम्पैक्ट ऑब्वियसली मार्केट पर देखा गया था, लेकिन साथ साथ फर्टिलाइजर सेक्टर भी आज बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आया, मेनली जिसमें फौजी फर्टिलाइजर, एग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम, ये तीनों जो है वो अपने ऑलमोस्ट अपर लॉक पर क्लोज होते हुए नजर आए थे. तो फर्टिलाइजर सेक्टर की बेहतर परफॉर्मेंस रही है. लोकल्स अलबत्ता पिछले कुछ दिनों से सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन फॉरेनर्स की तरफ से हमने लास्ट वीक में भी बाइंग देखी और इस हफ्ते भी बाइंग एक्सपेक्टेड है. लास्ट वीक 28 मिलियन डॉलर का इनफ्लो देखा गया था. गोइंग अहेड मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा और इस तरह की सूरत हाल में किस तरह से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद है कामरान नासिर, सीईओ फ्रॉम जीएस ग्लोबल. कमर साहब, मार्केट की परफॉर्मेंस पर कमेंट चाहूंगा. लास्ट वीक 1400 पॉइंट्स का गेन जो है वो विटनेस किया गया, 42,787 का लेवल मार्केट ने मेंटेन किया. आज जो मार्केट जो है वो एक दफा फिर से थोड़ा वोलेटाइल रही, यही वजह शायद वॉल्यूम्स भी कम है. क्या कहेंगे मार्केट की परफॉर्मेंस पर? देखिए, मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट अब कंसोलिडेट होते हुए दिख रही है लेवल्स के ऊपर. ये कहना कि यहां से कोई बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म का जंप आ जाएगा और फौरी आ जाएगा, ऐसा बहरहाल मुझे नजर नहीं आता. मुझे लगता है कि मार्केट अब ग्रेजुअली अपना मोमेंटम को बिल्ड करेगी और यहां पे प्लस माइनस 1000 पॉइंट्स ऊपर नीचे ये सस्टेन करेगी इन नंबर्स को. उसकी प्राइमरी रीजन ये है कि जो पॉजिटिव चीजें होना शुरू हो गई हैं, जैसा कि आपने खुद कहा कि आपको नेट बाइंग नजर आई, क्योंकि ये जो रीबैलेंसिंग इवेंट्स आना शुरू होते हैं, फुटसी की रीबैलेंसिंग थी और मुख्तलिफ चीजों की रीबैलेंसिंग आ रही थी, उसके अंदर नेट बाइंग हुई. नेट बाइंग की वजह से आपने थोड़ा सा सेंटिमेंट देखा कि गोरे की बाइंग आना शुरू हो गई और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ग्रेजुअली पाकिस्तान के अंदर जो फॉरनर्स हैं इनका रुझान बनेगा, लेकिन शायद जितनी तेजी से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत तेजी से बनेगा, उतनी तेजी से नहीं बनेगा. ग्रेजुअली इट विल बिल्ड अप, बिकॉज एक मार्केट है जो कि हाई रिस्क हाई रिटर्न मार्केट है. इस वक्त मार्केट करेक्ट बहुत ज्यादा हुई हुई है. एक जो लूमिंग कंसर्न है वो है कि जी मार्केट जो है ओवर वैल्यूड है, बिकॉज रुपी ओवर वैल्यूड है. तो रुपी में जब भी कभी आप डिप्रिसिएशन देखेंगे तो मार्केट के लिए मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, जो कि शायद अभी हम ना देख पाए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट भी ये थी कि रुपी को डिवैल्यू नहीं करेंगे. बट इट्स समथिंग विच इज इनएविटेबल. इट्स ओनली जैसे कहते हैं ना कि वक्त की एक घड़ी जो है वो चल रही है, इट्स अ टिकिंग क्लॉक. किसी भी टाइम आप ये न्यूज सुनेंगे, लेकिन आप समझते हैं कि रुपी ओवर वैल्यूड है? जी हाँ जी, रुपी वैल्यूड इस पे कंसेंसस है तमाम इकोनॉमिस्ट का, तमाम रिसर्च हाउसेस का, कि पाकिस्तान में रुपी ओवर वैल्यूड है. और रुपी के अंदर देखिए इसके ऊपर डिफरेंट व्यूज हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो कंसेंसस है वो 10% का तो है, एटलीस्ट मिनिमम साइड पर 10% जो है वो इसके अंदर
डिवेल्यूशन आनी चाहिए। और अगर आप इसकी पीछे हिस्ट्री भी देखेंगे तो हर साल तकरीबन 4 से 5% की डिवेल्यूशन हुआ करती थी, लेकिन पिछले 4 सालों के अंदर टोटल 9% की डिवेल्यू देखने में आई है। ठीक है, विच इज मतलब इसका मतलब यह है कि अब यहाँ से डिवैल्यू होने का, तो फिर इसका मतलब तो ये होगा कि सीधा सीधा फॉरेनर्स को तो 10% का तो लॉस होगा अगर रुपी डिवैल्यू होता है तो। जी, इसी वजह से वो नहीं आ रहे, इसी वजह से वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है अपनी अप्रोच के अंदर। लेकिन हमारी उसके ऊपर पेची होती है कि मार्केट जिस वक्त 54,000 पे गई है, 53,000 के लेवल्स पे और 54,000 के लेवल्स पे जब मार्केट ट्रेड की अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर, उस वक्त भी यही फॉरेनर्स थे और उस वक्त भी यही रिश्ता, यही इकोनॉमी थी और यही इसके नंबर थे। सो वहां पे भी अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस वक्त ज्यादा बड़ा रिस्क था, तो मार्केट वहां से 20% ज्यादा करेक्ट कर चुकी है, तो ऑलरेडी एक चीज, एक कंफर्ट फैक्टर बिल्ट इन होना चाहिए। और अगर 10% डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो यकीनन वो चीज को देख रहे हैं कि जिस टाइम पे डिवेल्यूशन एक एपिसोड हो जाए उसके बाद वो पाकिस्तान में एंट्री लें प्रॉपरली। इस पर मैं मजीद बात करेंगे, इकराम साहब की कॉल ले लेते पहले पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी इकराम साहब जी, आपसे पता करना था, एक तो अल शहीद कॉरपोरेशन के बारे में बता दें, दूसरा रिपीट कीजिएगा, अल शहीद कॉरपोरेशन, दूसरा रोशन पैकेजेस, तीसरा जो है लोड पाकिस्तान ऑटोमोबाइल में जो है टेक्सटाइल में हाल एंटरप्राइज के बारे में बता दें, शुक्रिया जी। अल शहीद और रोशन पैकेज एक दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। हुआ है कि इनके जब आईपीओ हुए जिस प्राइस पे ये सब्सक्राइब हुए मार्केट में, वहां से ये सब्सटेंशियली नीचे आ गए और वो सब्सटेंशियल डिक्रीज जो है वो ऐसी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर को तंग कर रही है। बहरहाल इन दोनों पर मेरा कमेंट ये है कि दोनों को हम रिसर्च में कवर नहीं करते, और क्योंकि कवर नहीं करते तो मैं आपको एक कंसिडर्ड ओपिनियन इस पर नहीं दे सकता। क्या ये वजह ये थी जो आपकी बात है कि आप कहें कि उससे काफी नीचे आ चुके हैं, तो क्या ये उस पर जब आईपीओ आया था तो क्या ये ओवर वैल्यूड था, उस वक्त लोगों को नहीं लेना चाहिए था? हाइंडसाइट से बताया तो यकीनन ओवर वैल्यूड था। अगर ओवर वैल्यूड था और साथ में सपोर्टिंग नंबर्स आगे क्वार्टर्स के उस तरीके के नहीं आए, अल शहीद के जैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उस तरह के रिजल्ट्स नहीं है, सर्टनली यही वजह है कि वो जो स्टॉक है उसने खराब करना। कोई भी नया शेयर होता है तो लोगों को इतनी ज्यादा हिस्ट्री नहीं होती, अब जैसे अगर किसी कंपनी के दोबारा जैसे वो डिसॉल्व कर रहे होते हैं, चले शेयर जो है फ्लोट कर रहे होते हैं, तो लोगों को उसकी हिस्ट्री पता होती है तो उनके आईपीओ या वो जो सेकेंडरी आईपीओ होता है उसमें चले जाना चाहिए। जब इस तरह की नई कंपनीज आती हैं तो उसमें किस तरह से इन्वेस्टर जो है इस बात का अंदाजा लगाए कि फीजिबल है या ये रेट जो है ये फेयरली वैल्यूड है या नहीं? देखिए, दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि जिसके बारे में जब भी कोई आइटम कोई आता है मार्केट में लिस्टिंग के लिए तो उसमें मुख्तलिफ रिसर्च हाउस रिसर्च लिखते हैं, उस रिसर्च को पढ़ना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बैठा हुआ है उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि ये जो कंपनी है ये किस सेक्टर से बिलोंग करती है और उस सेक्टर का मल्टीपल क्या चल रहा है। अब जो मल्टीपल चल रहा है उस मल्टीपल को अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरीली बीट कर देंगे इसका मतलब है कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड होगी। अगर ओवर वैल्यू हुई भी है, किसी केस में ये भी हो सकता है कि किसी सेक्टर का मल्टीपल 20 चल रहा है और कंपनी 23 पे आ जाए तो उसने थोड़ा सा प्रीमियम ले लिया, लेकिन वो प्रीमियम लेने की वजह क्या है? क्या वजह यह है कि उस सेक्टर के अंदर एवरेज मल्टीपल 20 का था और जो स्टार कंपनी थी वो 30 परफॉर्म कर रही है और ये कंपनी जो है बिल्कुल इक्विवेलेंट इन बिजनेस है टू दैट स्टार कंपनी, तो फिर उसको 23 का मल्टीपल मिल गया तो समझ भी आती है कि फिर भी उसका डिस्काउंट है फ्रॉम द स्टार कंपनी ऑफ रफली अबाउट 20-25%। लेकिन इस तरीके से देखना चाहिए, बाज़ोकात इन्वेस्टर सिर्फ कंपनियों के पीछे इसलिए लग जाते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि सारे तरह से भेड़चाल बन जाती है, और जब मार्केट राइज कर रही है तो उस भेड़चाल के अंदर जो है वो सारे घुस जाते हैं। बहरहाल मैं इसको समझता हूँ कि एक मॉरल हैजर्ड है, मॉरल हैजर्ड हमारी मार्केट के अंदर कैटर होना चाहिए, इसको कैटर करना चाहिए। जो भी कंसल्टेंट हो किसी भी कंपनी को जो आईपीओ करा रहा हो उसकी परफॉर्मेंस ये परफॉर्मेंस नहीं होती कि कितना महंगा हो गया, बात यह कि सस्टेनेबल कितना, यू हैव टू लीव मनी एट द टेबल फॉर द इन्वेस्टर। सो अल शहीद और उस पर उनका सवाल था रोशन पैकेज पे, दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को निकाल के पढ़ें, उसको देखें कि ये कंपनीज आगे एक रिजल्ट कैसे परफॉर्म कर रही हैं, और उसके बाद उनकी मीटिंग्स के अंदर जाकर उनसे क्वेश्चन भी करें कि भाई आपकी फ्यूचर प्लान क्या और आप किस तरीके से इसमें चलेंगे। जितना मैंने इसको फॉलो किया, जितना मैंने इसको देखा है, अभी तक कोई खातर खा इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं नजर आई उनके फाइनेंशियल नंबर्स में कोई ऐसी कि जो कि टर्न अराउंड बड़ा तेज कर दे। ठीक है, लेकिन साथ ये भी नजर आ रहा है कि प्राइस इतनी करेक्ट हो गई है कि वो बहुत नीचे आ गई है, यहाँ यहाँ से कमी का इम्कान नजर नहीं आता। ठीक है, उस्मान साहब हमें कॉल कर रहे हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नॉर्दर्न के बारे में पूछना था, उसमें ये भी पूछना था कि ये 40 रीबैलेंसिंग एशियन स्टॉक्स में भी आ गया है, और दूसरा भी पिछले दिनों डॉन में रिपोर्ट आई थी कि यूएस की रेट जो है इसका 7.1% कुछ किया है, देखिए श्री नॉर्थ सबसे पहले सीपैक के अंदर अगर आप देखें तो इनका मॉडल होता है रिटर्न ऑन एसेट्स मिलते हैं,
और रिटर्न ऑन एसेट जब जिस कंपनी को मिलता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिक्टेट करता है कि उस कंपनी की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग्स कैसी होगी। सुई नॉर्थ वैसे थियोरेटिकली स्पीकिंग इस वक्त बहुत अच्छा शेयर है, मगर मुझे ये लगता है कि उधर सप्लाई साइड थोड़ी हैवी है। नजर ये आता है कि ये शेयर यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन थोड़ा रुक के करेगा, फौरी तौर पे नहीं करेगा। होल्ड किया जाए तो बेहतर है। अगर आप होल्ड कर सकते तो आप होल्ड कर लें, अगर आपके पास प्रॉफिट ऑलरेडी है तो प्रॉफिट टेकिंग कर लें, कर लें तो ज्यादा बेहतर, तो वो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आपको मौका मिले तो आप दोबारा उसमें री इन्वेस्ट कर दीजिए, किसी और शेयर में इन्वेस्ट करने फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि इसमें सप्लाई साइड जरा स्ट्रांग है और ऐसी मार्केट जहां पे मार्केट के डायनेमिक्स जरा स्लो हो, आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम हो नहीं रहे मार्केट में, तो कहीं पे भी अगर सप्लाई थोड़ी ज्यादा होगी तो वो शेयर वहां रुक जाएगा। ये 145 और 50 और 152 के लेवल्स के ऊपर बहुत ज्यादा रुकना शुरू हो गया है, विच इज अ साइन ऑफ द सप्लाई साइड बीइंग स्ट्रांग। वो सप्लाई साइड से निकलेगा तो आगे चलेगा। बाकी सर्टनली ईएफजी लॉसेस की बात वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसमें कहीं पे भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से पास ऑन बेहतर आएगा तो ये कंपनी उनकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगी। ठीक है, एक और कॉलर शामिल कर रहे हैं, मोहम्मद सदीक साहब बुरे वाला से। अस्सलाम वालेकुम। जी सदीक साहब। वालेकुम सर, ये पूछना था, ये केस था अब्दुल्ला शुगर मिल्स, ठीक है, अब्दुल्ला शुगर मिल्स, हाँ ये सस्पेंड हुआ 900 रुपए का रेट था, ठीक है, तो इतने हाई लेवल पे ना कभी कंपनी सस्पेंड नहीं होती, बहुत कम होता है, अभी तक ट्रेड ऑफ नहीं शुरू हुई, तो ये कब तक है मकान? ठीक, अब्दुल्ला शुगर मिल्स हमें ज्यादातर वो कॉल्स आई जो स्पेकुलेटिव शेयर्स हैं, स्पेकुलेटिव है और शायद यही वजह है कि स्पेकुलेटिव शेयर्स वाले बेचारे फंस जाते हैं, जो थोड़ा होमवर्क करके या सेक्टर वाइज जाते हैं उनकी कॉल्स हमें इसलिए नहीं आते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनको बेहतर परफॉर्मेंस उन्हें मिल रही होती है। देखें अब्दुल्ला शुगर ये वो मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने खरीदा, हो सकता है कंपनी अच्छी हो, मेरी कोई स्टडी नहीं है उसके ऊपर। वैसे शुगर कंपनी अच्छी होती तो फिर जनरली नॉलेज होती है नहीं, शुगर इंडस्ट्री वैसी एक ऐसी है कि जिसको ज्यादातर कवर किया ही नहीं जाता इन द रिसर्च डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, जो रिसर्च की जो कवरेज होती है उसके अंदर, उसकी प्राइमरी रीजन ये होती है बड़े ही क्लोजली हेल्ड स्टॉक्स होते हैं, तो उनके अंदर वॉल्यूम मिलता कोई नहीं आपको, ज्यादातर स्पॉन्सर्स के पास होते हैं, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अतबार से इन सेक्टर्स के अंदर बहरहाल हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। हमें क्वालिटी ऑफ ऑडिटर्स अच्छे नजर नहीं आते इन कंपनीज के अंदर, इन कंपनीज के अंदर जो के रिटर्न हमें नजर आना चाहिए वो रिटर्न भी नजर नहीं आता। सो आई थिंक कि कंपनी को ज्यादा गौर से स्टडी करने की जरूरत है, उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है, और जो भी इन्वेस्टर उसको खरीद रहा है वो स्पेकुलेटिव तरीके से ना खरीदे कि अब्दुल्ला शुगर मिल ले लो, हमें लगता है जी कि ये 40% ऊपर चला जाएगा, जो होता है ना कि हमें लगता है कि जवाब मांगना बहुत ज्यादा, मुझे बात करनी है, बिल्कुल डेफिनेटली इन्वेस्टर बहुत इसमें स्टक हो जाते हैं इस तरह की चीजों से। लाल चंद आपकी कॉल ले लेते हैं पहले कराची से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर जी, जी लाल चंद साहब क्या सवाल पूछेंगे? सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मरी बेवरी के चीफ एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दें, लास्ट ईयर उन्होंने जो है ना 1500% बोनस अनाउंस किए थे लेकिन दिए नहीं उसके बाद में, तो हमने बड़े महंगे शेयर लिए थे, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज उनको थोड़ा, नेक्स्ट वीक उनकी मीटिंग भी है तो वो समान इन्वेस्टर का कुछ कार करें, उनको बहाल कर दे दो मेहरबानी। ठीक, लेकिन इनका कमेंट ठीक है, वो 15% उन्होंने इशू अनाउंस किया था, अनफॉर्चुनेटली जेएसपी एडवाइजर के थ्रू काम कर रहे थे, खैर मुझे भी नहीं पता या उनकी कंपनी ने यह देखा नहीं था कि उनका ऑथोराइज कैपिटल था ही नहीं कि जिसके ऊपर इतनी बड़ी आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते थे। सो वो ट्रांजैक्शन जो है वैसी ऑब्जेक्ट होगी थी, क्योंकि अगर आपने ऑथोराइज कैपिटल जब तक बढ़ाएंगे नहीं तब तक आप वो बोनस शेयर्स इशू कर नहीं सकते थे, क्योंकि आप पहले एक सीलिंग पर खड़े हुए थे, और ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आपको जाके शेयर होल्डर्स की स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब ये कि 75% वोट्स आपके हाथ में होने चाहिए। अब उनकी जो भी एजीएम होगी उसके अंदर जब तक ऑथोराइज शेयर कैपिटल नहीं बढ़ेगा तो बोनस शेयर इशू नहीं हो सकते। वो ट्रांजेक्शन का मार्केट में आना गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल में कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल है या जो कोई भी उनको एडवाइस कर रहा था वो रिस्पॉन्सिबल है कि उनको इस किस्म की ट्रांजेक्शन मार्केट में नहीं लानी चाहिए थी, जब तक कि आपका होमवर्क ही पूरा नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लास्ट कॉलर के आने वाले दिनों में वो शायद बेहतर डिसीजन ले लें और इस मसले को हल कर लें। ठीक है, लास्ट कॉलर शामिल कर लेते हैं, उसके बाद चल एक चीजें अहम पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँ ताकि आप इन्वेस्टर्स जो है अपने लॉसेस से बच सकें। हम मोहम्मद यासर में कॉल कर रहे हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। पता चल रहा था कि जो एक्सपेक्टेड है अमेरिका की तरफ से अगर पाकिस्तान पे कोई पाबंदियां लगती हैं, कोई सफरी पाबंदियां या कोई और पाबंदियां जो है ना ठीक है तो होती हैं, तो उसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा? दूसरा ये बताया जाइएगा कि मार्केट अपना बॉटम लगा ही है कि अभी मजीद चांस है इसको बॉटम लगाने का? नहीं, अच्छा सवाल है जी, एक स्ट्रेटेजिक नेचर का, और दूसरा जो है वो एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब पूरी मार्केट में किसी का भी सर्टेनिटी से देना जो है बहुत मुश्किल है कि बॉटम हुआ कि नहीं हुआ। पहले का जवाब दूं, देखिए पाबंदियां जब भी लगती हैं किसी मुल्क के लिए तो बहरहाल एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसका।
तो अगर कोई पाबंदी लगेगी तो सर्टनली वो नेगेटिव होगा फॉर द स्टॉक मार्केट, सॉरी फॉर द इकोनॉमी इन जनरल. लेकिन अगर आप थोड़ा सा रीड करें मार्केट को, तो मार्केट में जब भी ये न्यूज आई है तो मार्केट ने उसको प्राइसिंग करना शुरू कर दिया हुआ है already. इन चीजों को ऑलरेडी कि ये हालात आपके यूएस के साथ ठीक नहीं है, ठीक है, आपको अपनी सूरत हाल और सिचुएशन बेहतर करने की जरूरत है. एक ब्रिक्स की भी अनाउंसमेंट आई थी जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो कि अगेन लम्बा फिक्रिया बनी. मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि जहां उनको इम्पैक्ट करता है तो वो भी बड़े गौर से देखते हैं चीजों को, और जहां पर गवर्नमेंट हेल्म ऑफ अफेयर्स में होती है चीजों की तो वो भी देख रही होती है. अगर ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई तो यकीनन एक टेम्परेरी झटका जो है वो आप महसूस करेंगे मार्केट के अंदर. लेकिन ये कहना कि आप उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में ये एहतमाल आपका बिल्कुल गलत है. पाकिस्तान कैन सर्वाइव अंडर द करंट सिचुएशन विद सैंक्शन इवन तो, लेकिन लगेंगी नहीं. मेरा व्यू है और मेरा व्यू ये इसलिए कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री. यूएस नीड्स टू कीप अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान बिकॉज दैट वर्क्स इन देयर इंटरेस्ट एंड सेम गोज फॉर द अदर नेबरिंग कंट्रीज. इसको आइसोलेट करना इस वक्त इंतहा खतरनाक और गलत कदम होगा. चाइनीज सपोर्ट भी है. एग्जैक्टली सो कोई करेगा नहीं, ये मेरा ख्याल है. ये चीजें होती हैं आपको आम पुष्ट करने के लिए, चीजें दिखाने के लिए, छोटी मोटी आप कोई सैंक्शन लगा भी सकते हैं, छोटी मोटी सैंक्शन लगा भी सकते हैं. लेकिन कोई मेजर किस्म की ऐसी चीज होना मुझे फिलहाल अनलेस एंड अनटिल कोई सेंस प्रिवेल नहीं करेगी. और उसके बाद जैसा कि हम ट्रंप के डिसीजन में देखते हैं कि बहुत ही जज्बाती फैसले होते हैं, फिर जाके उनको अपनी सेनेट में और अपनी जगहों पर उनको रिवर्ट करना पड़ता है. ऐसी कोई हरकत करके तो कुछ नहीं कह सकते. सेकंड इनका सवाल था बॉटम आउट होने का. मार्केट का बॉटम जी कोई नहीं बता सकता. उसकी वजह यह है कि मार्केट कुछ चीजों पर चलती है. नंबर वन फंडामेंटल इश्यूज, ठीक है, देन ऑल्सो देयर इज एन इन्वेस्टर सेंटीमेंट. अगर आज पॉलिटिकली सिचुएशन परसों कोई नई चीज खड़ी हो जाएगी तो मार्केट का बॉटम फिर ये नहीं है, मार्केट का नया बॉटम. एज ऑफ टुडे आज तक की जितनी न्यूज है उसके हिसाब से बॉटम आउट लगती है, उसके हिसाब से बॉटम आउट लगती है. उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस वक्त तक जो है इसमें 1,000-1,500-2,000 पॉइंट इधर उधर, उसके अलावा कुछ नहीं. और जब इतनी बड़ी भी मार्केट के अंदर आप 3-4% की बात करते हैं, 5% की बात भी करते हैं, ये कोई क्यामत नहीं आ जाती इसके अंदर. ठीक है, थैंक यू सो मच कामरान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. कामरान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है, सीईओ जेएस ग्लोबल. और कामरान साहब से हमने बात की ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स के हवाले से. कमोडिटीज और फॉरेक्स करेंसीज की सूरत हाल यहां पर देख लेंगे. सबसे पहले कमोडिटीज की सूरत हाल देखेंगे जिसमें गोल्ड की पर तोला प्राइस आज रही 51,908 रुपीज के लेवल पर. 10 ग्राम प्राइस 44,550 रुपीज के लेवल पर है. इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 1,314.38 49.89 Japanese yen buying 0.93 rupees, selling 0.96 rupees. Chinese yuan buying 16 rupees, selling 16.15 rupees. And last week, Kuwaiti dinar buying 347.50 rupees, selling 350 rupees. These commodities are for currencies. So, where the market performance is concerned, Kamran Saab has also said that up to now, the news, the news, the market is bottom out. The market is declining trend. But if there is no political front, there is no uncertainty. If there is no economic front, there is no negative news. If there is no data negative, तो फिर वहां से मार्केट में हो सकता है एक दफा फिर से हम मंदी का रुझान देख सकें. लेकिन एज ऑफ टुडे अब तक की जो न्यूज है उस हिसाब से मार्केट बॉटम आउट हो चुकी है. मजीद मार्केट में डाउनसाइड एज सच नजर नहीं आती. अब यहां से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद बेहतर परफॉर्मेंस शो कर सकती है क्योंकि फॉरन सपोर्ट अब मार्केट में हमें नजर आना स्टार्ट हो गई है, विच इज डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर द मार्केट. इसके साथ ही प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे. फॉर फीडबैक यू कैन ईमेल अस एट bullsandbears@ptv.com.pk. Do take care of yourself and your investment. A very good luck for tomorrow. Say Mohammad Tanish or Bulls and Bears ki team ko ijazat dijiye. Allah.